कल मुझे इस इलाके में आना था, मैं आया था चमकौर साहब के अंदर। चमकौर साहब है जी सर, चमकौर साहब में चरणजीत चन्नी जो दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनके असेंबली है। कल मेरी यहाँ पर जनसभा थी, मीटिंग थी, व्यापारियों के साथ मुझे मिलना था। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं इनके इलाके में आके कुछ सरकारी डिस्पेंसरीज को भी देखूँ, तो कहीं ना कहीं से उनको पता लग गया, तो कल से डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया है, सिर्फ पेंट किया जा रहा है। कल से लोगों को देखो लगा रखे, सारे पेंट कराने में लगा दिए गए हैं। डिस्पेंसरी को ताला लगा के, देखिएगा ताला लगा रखा है, ताला लगा के पूरा स्टाफ यहाँ से नहीं है, गायब हो गया, कल से बंद कर दी गई है इसको। पूरी डिस्पेंसरी के हालात आप देखेंगे, गलती से क्या हुआ कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। चारों तरफ लोग लगा के पेंट कराने के, देखेंगे इधर भी पेंट कर रहे हैं, उधर भी पेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगा रखे हैं, कल से पेंट हो रहा है। आप किसी से पूछ लीजिएगा कब से हो रहा है तो बता देंगे आपको। उधर एक टॉयलेट है, टॉयलेट का ताला लगाना भूल गए। अगर आप टॉयलेट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर इस डिस्पेंसरी में कभी कुछ हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट का जरा देख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए अंदर जाके। आप पूछ सकते हैं जो काम कर रहे हैं, इनसे पता कर सकते हैं कि ये पेंट कब से होना स्टार्ट हुआ है। पूछ लीजिएगा कब से पेंट हो रहा है। भैया पेंट कब से हो रहा है? सर ये कल से कर रहे हैं। कल से पेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल मुझे आना था तो डिस्पेंसरी को कल से बंद कर दिया गया, कल से पेंट चालू हो गया है। तो पेंट करने से काम चलने वाला। उधर एक डिस्पेंसरी इनके खुला रह गया, जहाँ पे दवाइयाँ देते हैं ना, वहाँ पे लिखा है मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त टेस्ट, ये दोनों चीज़ें मुफ्त लिखी हैं। क्योंकि मेन बिल्डिंग को तो ताला लगा दिया इन्होंने, साइड वाली बिल्डिंग को ताला लगाना भूल गए, तो उसको भी देख लीजिए उसके हाल क्या चीज़ें हैं। अगर आपको दिखता है कि कभी यहाँ पर दवाई आज तक मिली हो तो ऐसा चांस ही नहीं लगता कि दवाइयाँ थी भी या नहीं थी। और ये अगर मुख्यमंत्री के इलाके का ये हाल है तो पंजाब के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा, अंदाज़ लगाना मुश्किल है। ये सारे हाल देखिए, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कभी खिड़की लगी नहीं, दरवाजे लगे ही नहीं है, ऐसा नहीं कि टूट गए, लगा ही नहीं कभी आज तक। ये देखो मुफ्त दवाई और मुफ्त टेस्ट लिखा है, इधर आइए देखिएगा, ये दवाइयों के टेस्ट के ये हाल है कि कौन से मुफ्त में दवाइयाँ, कौन से टेस्ट हो रहे हैं। एक रुई का खोया भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्पेंसरी यहाँ पर है, अभी दिन के 11 बजे हैं, स्टाफ नाम की कोई चीज नहीं है, इवन चौकीदार भी नहीं है, चौकीदार भी छोड़ के भाग गए हैं। सिर्फ पेंट करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हमने कल से पेंट करना स्टार्ट किया है। अब मैं पंजाब के लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब के अंदर तो हर पिंड के अंदर एक पिंड क्लिनिक खोला जाएगा। पिंड क्लिनिक के अंदर तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर होंगे जो सबका इलाज करेंगे और हर रोज़ होंगे। दूसरी चीज़, सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेगी। तीसरी चीज़, सारे टेस्ट 200 से भी ज़्यादा टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे, हर रोज़ किए जाएंगे। इसके अलावा सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा और अस्पतालों के साथ साथ पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को पंजाब की ठीक किया जाएगा। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली तो जी आधा प्रदेश है, पंजाब तो बड़ा सूबा है, पंजाब तो फुल स्टेट है। भाई दिल्ली आधा स्टेट है तो दिल्ली में आधा काम होना चाहिए था, पंजाब में तो पूरा होना चाहिए था। दिल्ली का जो बजट है 60,000 करोड़ है, पंजाब का बजट उससे 3 गुना ज़्यादा बजट है, प्रति व्यक्ति बजट जो है दिल्ली से दुगुना है, तो यहाँ की सुविधाएं दिल्ली से 4 गुना अच्छी होनी चाहिए थी। और देखो जी, इन कांग्रेस वालों से तो होने वाला नहीं है, ये तो ठीक करके दिखा नहीं सकते हैं, इसको तो केजरीवाल जी की पार्टी आएगी, वही ठीक करके दिखाएगी, पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम ही ठीक करेंगे। बिल्डिंग भी ना मेरे ख्याल में, ये सुखविंदर सिंह सुखी डॉक्टर, एक भी मेंबर कौन है? हाँ जी तुसी का, ये फार्मासिस्ट है। अच्छा डॉक्टर नहीं है? अबे डॉक्टर है अंदर? डॉक्टर नहीं है, जस्ट छुट्टी है ना। छुट्टी तो नहीं, ये फार्मासिस्ट हो ना तुसी? हाँ जी हाँ जी। कितने पेशेंट आए आज? सर 4 पेशेंट है। हैं 4? एक दिन में 4? नहीं सर, अभी प्रोग्राम चल रहा है ना। कल कितने आए थे सर?
कल 11 मेरे न्यू पे ओपीडी थी और 6 मेरे ओल्ड पेशेंट। पर 11-12 पेशेंट आते हैं डेली, कितना स्टाफ कितना है यहाँ पे? सर 3 लोग। डॉक्टर साहब कल आए थे? हाँ जी कल आए थे डॉक्टर साहब। हाँ जी कल आए थे। ये डॉक्टर चैम्बर है सर, इधर दिखा ना। और इधर इनका एक अच्छा ये सफाई कर दी एक दिन में, सारा सामान इधर कर दिया। एक्चुअल में ऐसा था सर दवाई फिलहाल थोड़ी मेडिसिन, बाकी मेडिसिन रखी है सारी सर। केड़ी दवाई है मेरे को? सर होती है बीपी ले भी पई है और ये पैरासिटामोल है। अंदर कितने रखी है दवाई? अभी बीपी मॉनिटर वही वाला है, पुराने जमाने वाला। और ये वहाँ पे कैसे होएगा टेस्ट? यहाँ पे लिटा के करते हैं ना सर। लिटाने की जगह कहाँ है? आई नहीं ना आज भी कैसे यूज़ नहीं हुआ सर। ये लिटाने की जगह है? नहीं है ना एग्जामिनेशन टेबल तो कभी खुली नहीं आज तक। एग्जामिनेशन क्या होगा? चलो